लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बृहस्पति घी और रिफाइंड की आड़ में तस्करी करने वाले दो शराब तस्कर गिरफ्तार। अवैध शराब पर की गई सख्ती के बाद तस्कर शराब तस्करी के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। गत 9 फरवरी को फ्लाईवुड के कैबिन में छिपाई गई शराब को पकड़ने के बाद अब मसूरी पुलिस ने घी और रिफाइंड की पेटियों में छिपाकर तस्करी की जा रही लाखों की शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को मसूरी थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह को मुखबिर द्वारा एक डस्टायर ट्रक में अवैध शराब की तस्करी होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर ओम प्रकाश सिंह ने पुलिस टीम को चेकिंग के लिए रवाना किया। चेकिंग के दौरान ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस जेल टोल टैक्स के से नीचे उतरने वाले तिराहे पर पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक में सातिराना तरीके से वनस्पति घी और रिफाइंड की पेटियों में शराब को छुपाया गया हुआ था। तलाशी लेने पर ट्रक में से पार्टी स्पेशल 20 की अरुणाचल मार्का शराब की 230 पेटियां बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज कुमार यादव ने बताया कि 10 टायर ट्रक में लगभग 16.5 लाख रुपए की कीमती 230 पेटी अवैध शराब हरियाणा से लाई जा रही थी। अभियुक्तों से पूछताछ में बताया गया कि ट्रक और शराब जगरपुर सिंह पुत्र लखा सिंह और हरमोहन सिंह पुत्र मंजीत सिंह निवासीगढ़ उत्तराखंड की हैं। उनके द्वारा यह शराब हरियाणा से उत्तराखंड भिजवाया जा रहा था। हमारा काम सिर्फ शराब पहुंचाने का है, इसके एवज में हमें 10,000 रुपये प्रति चक्कर मिलते थे। गिरफ्तार अभियुक्त गुरवेज सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी तरन तारण पंजाब और हरविंदर सिंह पुत्र दलजीत सिंह निवासी अमृतसर पंजाब है। शराब और ट्रक के मालिकों के बारे में छानबीन की जा रही है। 16 लाख की पेटी है, 2760 बोतलें मिली हैं। पार्टी स्पेशल ये अरुणाचल प्रदेश जा रही थी तो पूछताछ करने में पता चला कि ये हरमन नाम का व्यक्ति है रुद्रपुर उत्तराखंड का और ये उसने इलीगल तरीके से सर इसका मोटिव क्या था क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है तो कहीं ना कहीं इसका वितरण तो नहीं होना था। नहीं हो सकता है इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हरमन को हमने इसमें नामजद किया है, हरमन से पूछताछ की जाएगी, उसको पकड़ के गिरफ्तार किया तो पता चलेगा उसका मेन उद्देश्य क्या है। उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, ये कहना है कि हरमन ने उनसे कहा कि ये पंजाब से आप ले आइए ट्रक में घी रखा हुआ है वनस्पति घी, तो इनको तो वनस्पति घी पता था अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन इसमें शराब थी 2760 बोतल शराब। सर जो हनुमान है इससे पहले भी तस्करी की हुई है शराब, इनका कहना है कि हनुमान अक्सर ये मंगवाता था और ये गाड़ी जरूर की है जो हनुमान का साथ है। हनुमान कहाँ का रहने वाला है? हनुमान रुद्रपुर का रहने वाला उत्तराखंड। आसानी से निकल जाते हैं ये लगभग 16,80,000 इसकी कीमत है। सर ये ट्रक लूटता है? नहीं, जनपद गाजियाबाद से रत्नेश्वर कुमार की रिपोर्ट।